सीबीआई ने उस फाइल को बंद कर दिया, लेकिन 2014 से तो आपकी सरकार थी। ये अघोषित इमरजेंसी है, इमरजेंसी का दौर जो था उसमें घोषित इमरजेंसी था, यह अघोषित इमरजेंसी है। और महागठबंधन में नीतीश कुमार जी फिर से शामिल हो गए तो आपको एकदम दिव्य ज्ञान हो गया साक्ष्य का, समय पर एक एक हिसाब उनसे चुकता कर। केंद्र की सरकार है वो सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से कर रही है। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेगा सीबीआई? तेजस्वी यादव जी के बारे में वही हो रहा है। आप एक बात बताइए ना कि जिस बात की वो चर्चा कर रहे हैं कि 2008 में कंप्लेन हुआ, तो 2008 से 2014 तक आप कह सकते हैं कि भाई यूपीए की सरकार थी, कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस समय भी जांच हुई, सीबीआई ने उस फाइल को बंद कर दिया। लेकिन 2014 से तो आपकी सरकार थी, अगर उसमें कुछ साक्ष्य था तो क्यों नहीं कर रहे थे? 2022 में जब महागठबंधन में नीतीश कुमार जी फिर से शामिल हो गए तो आपको एकदम दिव्य ज्ञान हो गया साक्ष्य का, और कार्रवाई करने लगे। तो ऐसा दिव्य ज्ञान तो उसी को होता है ना, तो इसलिए ये जाहिर है कि जो केंद्र की सरकार है वो सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से कर रही है, अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है, उन पर दबाव बनाने के लिए कर रही है, लेकिन देश की जनता सब देख रही है, समय पर उनका हिसाब चुकता हो। और एक बात और जान लीजिए कि 14 राजनीतिक दल, 14 राजनीतिक दलों ने एक साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, और हम लोगों ने यही कहा है, हम भी उसमें पिटिशनर हैं, हम लोगों ने यही कहा है कि जिस प्रकार केंद्र की सरकार अपने जो संस्थाएं हैं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का इस्तेमाल जिस प्रकार कर रही है, सेलेक्टिव कर रही है, अपने विरोधियों के खिलाफ कर रही है, उस पर ध्यान दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को तिथि निर्धारित कर दिया है उसकी सुनवाई। आपने इमरजेंसी का भी दौर देखा है, अब इस दौर में क्या कहेंगे? ये अघोषित इमरजेंसी है, इमरजेंसी का दौर जो था उसमें घोषित इमरजेंसी था, यह अघोषित इमरजेंसी है, और सारी संस्थाओं को समाप्त किया जा रहा है। सर बीजेपी ने सर समीकरण को सर तोड़ने की छोड़िए ना, उनको जितना मन करे कोशिश करते रहे। 2015 में बहुत कोशिश किया था उन लोगों ने, समीकरण की बात छोड़ दीजिए, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री 2014 में बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री थे 2014 में, और 2015 में बिहार विधान का सभा का चुनाव हुआ, 42-43 मीटिंग उन्होंने किया और 53 को सीट लाए थे। तो इसलिए जितना समीकरण उनको जोड़ना है जोड़ते रहे, बिहार की जनता और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पहचान चुकी है, समय पर एक एक हिसाब उनसे चुकता कर। सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो लूटा है लौटाना पड़ेगा, सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा, वो भी कह रहे हैं सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। अरे सुशील मोदी जी बेचारे परेशान हैं कि कुछ मिल जाए, कहीं इसी बजट सत्र के बाद कुछ मंत्रिमंडल का विस्तार हो। तो हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि शुभकामना है, बन जाइए ना कुछ,